आपका क्वेश्चन है, इन द फिगर पी क्यू एल एंड पी आर एम आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली एंड एस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल एस क्यू एल इज इक्वल टू 50 डिग्री एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एंगल एस आर क्यू एस आर। तो देखो ये आपका एक फिगर है, इसके अंदर इसने क्या दिया है, देखो Q से P तक आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, और R से P तक भी है, एक टेंजेंट है। अगर दूसरी तरफ देखोगे तो ये भी आपका एक टेंजेंट है, एम आर इज द टेंजेंट और यहां पर एल क्यू इज द टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ओ आपका सेंटर है, एस आपका सर्कल के ऊपर दूसरा एक पॉइंट है। अब यहां पर इसने देखो क्या दिया है, यहां पर दिया है ये 50 डिग्री, एल क्यू एस इज 50 डिग्री और यहां पर दिया है एम आर एस इज 50 डिग्री 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, क्यू एस आर कहां पर है, Q इधर है, S इधर है, R है, दैट मीन्स ये टोटल एंगल आपको निकालना है, ठीक है। हमने पढ़ा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये आपका यहां पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहां पर भी टेंजेंट है, दैट मीन्स आपका ये वाला 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाला एंगल इसने दिया है, तो टोटल एंगल ये यहां से यहां तक इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो गया आपका एंगल एस आर ओ, एंगल एस आर ओ इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 60, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो ये एक ट्रायंगल को, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका रेडियस है, दिस इज द रेडियस, ये भी आपका रेडियस है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो अब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ एस आर इज आइसोसेलस, है ना। तो दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो अगर ये आपका 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं एंगल ओ एस आर इज 30 डिग्री, एंगल ओ एस आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। लाइकवाइज आपको ये भी करना है, तो ये देखो टोटल इज 90, तो ये आपका 50 दिया है, तो आपको ये निकालना है, तो आपका एस क्यू ओ कितना हो जाएगा, एंगल एस क्यू ओ इज इक्वल टू 90 माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये आपका 40 हो गया। अगेन ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है ओ क्यू एस, तो ट्रायंगल ओ क्यू एस इज आइसोसेलस ट्रायंगल। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल क्यू एस ओ, क्यू एस ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री, सेम आइसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। तो अब ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया, तो एंगल एस कितना हो गया,
वही आपको लिखना है, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।